learning, real learning, comes through active participation. मैंने एक लाइन बोली अभी, learning, real learning comes through active participation. ये लाइन जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था तो मैंने स्कूल की लाइब्रेरी की एक बुक में से पढ़ी थी. बुक का नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि उस एज में इतना आदमी सीरियस नहीं होता लाइफ को लेके, लेकिन वो बात जो मैंने पढ़ी वो मेरे मस्तिष्क पटल पर आज भी ताजा है और वाकई में मैं इस प्रिंसिपल को जीता हूं. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक बार बोलिए, लर्निंग, रियल लर्निंग कम्स थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन. अगर आप इस फॉर्मूले को सोचेंगे तो आपको इतनी एक्साइटमेंट होगी कि आप रात को सो नहीं पाएंगे एक्साइटमेंट से. मैं आपको बता रहा हूं, इतना जबरदस्त फॉर्मूला दे दिया सक्सेस का ऑथर ने. मैं नाम नहीं जानता उन ऑथर का, उन बुक का. अगर किसी को पता हो वो ऑथर या बुक, अगर किसी और ने भी पढ़ी हो तो वो बुक मैं मार्केट में जाकर किसी भी प्राइस में खरीदने के लिए तैयार हूं. लर्निंग, रियल लर्निंग कम्स थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन. आप जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी. आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, आप कोई सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, आप उस काम में एक्टिव पार्टिसिपेशन शुरू कर दीजिए. वो चीज, वो कला, वो गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा. तो एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है तो. कभी कभी आपके मन में कुछ इच्छा जागती है, आप सोचते हो कि मैं ये काम करूंगा, ये मेरी डिजायर है, मैं ये करना चाहता हूं. जब तक चाहत को कर्म में नहीं बदलोगे तब तक रिजल्ट्स आने बहुत मुश्किल है. तो आपको एक्टिवली इन्वॉल्व रखने के लिए मैंने एक वीडियो सीरीज बनाई है. अगर आप इस वीडियो सीरीज के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो आप बाकी के फर्स्ट टू वीडियोस, ये तीसरा वीडियो है इस सीरीज का जो मैं आज आपके लिए लाया हूं, पहले दो वीडियो आप जरूर देखिए. उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम इस वीडियो सीरीज में आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट कैसे करवा रही हैं. ये वीडियो सीरीज उन लोगों के लिए नहीं है जो स्पून फीडिंग चाहते हैं, जो पकी पकाई खिचड़ी खाना चाहते हैं, जो मरा हुआ शिकार खाना चाहते हैं. ये वीडियो सीरीज उस शूरवीर के लिए है, ये उस मर्द के बच्चे के लिए है जो अपना शिकार खुद करेगा, जो अपनी मेहनत खुद करेगा. देखो, अगर मैं सब कुछ आपको यहां इस वीडियो में परोस के रख दूंगा तो रियल नॉलेज मेरी बढ़ेगी, आपकी नहीं बढ़ेगी. मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट की, मेरे लिसनर की ऐसी स्किल क्रिएट हो कि वो अपने दम पर 30 मार्क इस फील्ड का हो जाए. एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जल जाएगी, पहली मोमबत्ती ने तो जलना ही है. अब पहली मोमबत्ती ये कहे, नहीं 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 नहीं, मैं तो तेरे को नहीं जलाऊंगी, तेरे को मैं इग्निशन नहीं दूंगी, तो ये पहले वाली मोमबत्ती का संकीर्ण दिमाग है, उसकी छोटी सोच है ये, जो आइडियाज को, जो कॉन्सेप्ट्स को अपने तक रखना चाहते हैं, जो ये नहीं चाहते, जिनको ये इनसिक्योरिटी है कि कोई मुझे कॉपी कर लेगा, कोई मेरे चीज को ले जाएगा ना.
ऐसे छोटे दिमाग वाला नहीं बनना बेटा आपको। आपको बनना है तो बहुत बड़ा बनना है, और बहुत बड़ा बनने से पहले बहुत बड़ी सोच रखनी है, पॉजिटिव माइंड। कोई भी बड़ा काम बिना पॉजिटिव माइंड के नहीं हो सकता। तो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मेंटेन करनी है कि आपको अपना लक्ष्य पहचानना है। लक्ष्य पहचान लिया आपने, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है। एक्टिव पार्टिसिपेशन तब होगी जब आपका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होगा, और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होगा जब आप अपने चारों तरफ पॉजिटिव चीजों को इकट्ठा कर लेंगे और नेगेटिव चीजों को और नेगेटिव लोगों को अपने जीवन से निकाल फेंकेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं एक बहुत डार्लिंग कंसेप्ट आपके लिए लेकर आया हूं। कोई भी हाई लेवल का लॉ का एग्जाम हो, जिस एग्जाम में क्रिमिनल लॉ सब्जेक्ट मैटर हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये इस टॉपिक पे क्वेश्चन ना आए। यानी ये टॉपिक जो मैं आज आपको देने वाला हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, और आप तैयारी कर लीजिए इन सेक्शंस की, इन कॉन्सेप्ट्स की। और ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर तो मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा, और जितने वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा उन सब वीडियोस का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता जाऊंगा। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस वीडियो को और आने वाले समय में दोबारा से खोलकर देखिए। आप इसको अपने फेवरेट वीडियोस में डाल लीजिए। यानी आप महीने में, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद अगर मैं रहूंगा इस दुनिया में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टॉपिक से रिलेटेड लिंक्स डालता रहूंगा। आप चाहे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप चाहे छोटे लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप हाईएस्ट लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी लॉ का एग्जाम इंडिया में दे रहे हैं, क्रिमिनल लॉ आपके जीवन में अगर है कहीं भी किसी भी तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ में एक गाइड के रूप में काम करेगा। कभी भी आप साल में, 6 महीने में, 5 साल में कोई वीडियो खोल के देखेंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको कोई ना कोई लिंक मिलेगा, कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा दावा है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास, आज का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, थोड़ा सा उसका हिंट दूंगा, वो क्वेश्चन आपने लिखना है। लिखकर कैसे मुझे आपने भेजना है, क्या क्या आपको बेनिफिट होंगे उससे, इसके लिए आप पहले 2 वीडियो देखिए। मैं बार 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 उन चीजों को हर वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा, आपका भी टाइम खराब होगा और मेरा भी इसमें टाइम खराब होगा। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये सीआरपीसी चैप्टर नंबर 33 से रिलेटेड है। चैप्टर की हेडिंग है प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर लगभग 18-19 सेक्शन है, 436 टू 450, और इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स भी हैं बीच में। 436 ए है, जैसे 446 ए है इसमें 441 ए है जैसे। तो टोटल मिला के आप काउंट करोगे तो ये 18 के करीब सेक्शंस हैं। एक एक सेक्शन आपके माइंड में छपा हुआ आना चाहिए, एक एक चीज, एक एक वर्ड, एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशली जो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसे करने के लिए 2 सेक्शंस, वैसे तो देखो सारे सेक्शन ही अच्छे से करने हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन 2 जो सेक्शन बहुत काम आएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक्चुअली मैं अब तक आपने अगर 2 वीडियो देखे हैं तो पता चल जाएगा कि मैं देना चाहता हूँ इन वीडियोस के थ्रू। एक तो 437 आपको पता होना चाहिए, उससे पहले 436 पता होना चाहिए आपको, ठीक है, और उससे 439, जो मेन
काम आने वाले हैं वो ये दो सेक्शंस काम आने वाले, 437 और 439। लेकिन ये आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते आप इसको, आप इसको आपको 436 ए भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे यूज नहीं है उसका, लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 439 की हेडिंग है स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल, यानी हाई कोर्ट की या कोर्ट ऑफ सेशन की बेल के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल पावर हैं वो 439 में है। उसका एक एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। डिटेल्ड अगर आपको ये सेक्शंस चाहिए तो इसके लिए आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पे दिया है 9818050252502 पर आप संपर्क करेंगे, तो डिटेल्ड वीडियो, एक एक सेक्शन का वीडियो आपको चाहिए तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो आपको नंबर मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, 9818050252। तो वो एक अलग मैटर है। जहाँ तक इस वीडियो सीरीज के अगर आप फैन हैं, अगर इस वीडियो सीरीज को आप फॉलो कर रहे हैं, इन कंसेप्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ मेरा काम है कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके तैयार करवाऊं। आप मेक श्योर कीजिए कि ये टॉपिक आपने तैयार कर लिया, अगर ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया है तो ये आपकी तैयारी आपको बहुत बड़ा प्राइज दिला सकती है। तो वो क्वेश्चन आपको लिखकर मुझे भेजना है, ठीक है। वो आपको पता है कि क्या करना है, क्या करूंगा मैं उसके लिए। तो अगर तैयार नहीं किया, देखो दोनों एंड पे आप तैयार कर चुके हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट है, आपका रिवीजन हो जाएगा आज का, आपको पता चल जाएगा कि जो तैयारी आपने की है वो बढ़िया की है कि नहीं की है, वो आपकी तैयारी बढ़िया है कि नहीं है ये पता चल जाएगा। दूसरा, अगर तैयार नहीं किया, मिस किया है इस टॉपिक को, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा इस टॉपिक को तैयार करने का, ठीक है। जब मर्जी चाहे, कब, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब देख रहे हैं आप, आज मैं इस वीडियो को 2018 में डाल रहा हूं, आप इस वीडियो को 2020 में देखिए, 2025 में देखिए, 2030 में देखिए, जब आपको मन चाहे आप मेरे को अपना आंसर लिखकर भेज सकते हैं। अगर मेरे को आपका आंसर अपील कर गया तो मैं जरूर आपको रिवॉर्ड दूंगा, आपको एक गिफ्ट भेजूंगा, वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो दो सेक्शंस हैं 439 में, स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। अब इस क्वेश्चन में जो इस जो क्वेश्चन है उसके ऊपर पहले पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की एक बार ये हेडिंग और ये सारा इसकी बॉडी को देखते हैं। पहले आपको एक पैराग्राफ दिया है और उस पैराग्राफ के ऊपर बेस करके चार क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, तो उन चारों क्वेश्चंस को आइए एक एक करके स्टडी करते हैं। ए वाज चार्ज्ड विद मर्डर ऑफ बी, व्हेन ए वाज टेकन इनटू कस्टडी ही सोट बेल, द सेशंस कोर्ट डिनाइड हिम बेल, ही अप्रोच द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ग्रांटेड हिम बेल अंडर सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी, कंप्लेनेंट वांट्स टू क्वेश्चन द बेल। अब जो कंप्लेनेंट है वो बेल पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि बेल नहीं दे मिलनी चाहिए, जो ए है उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए। और इसके ऊपर ये जो चार क्वेश्चन एक के बाद एक फायर किए हैं, उन क्वेश्चन को सुनिए पहले। पहला क्वेश्चन है वेदर कंप्लेनेंट कैन क्वेश्चन द बेल, दूसरा क्वेश्चन है ऑन व्हाट ग्राउंड कैन द बेल बी कैंसल्ड, और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म जुडिशियल डिस्क्रिशन इंप्लाई, और फोर्थ क्वेश्चन है कैन बेल बी ग्रांटेड ऑन पैरिटी ऑफ रीजन। आइए इन क्वेश्चंस को भी समझाऊंगा और इनके मैं थोड़े हिंट भी दूंगा एक एक करके वन बाय वन। तो सबसे पहले वेदर कंप्लेनेंट कैन क्वेश्चन द बेल, आइए इस कंसेप्ट पे थोड़ा सा मैं बोलता हूं, आपको तैयार करना है, लिखकर देखना है इसका पूरा आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको सेक्शन 439 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मेनली सब सेक्शन 2 इस पे अप्लाई होगा, लेकिन 2 आप वैक्यूम में नहीं पढ़ सकते, इसके लिए सब सेक्शन फर्स्ट के साथ कंटिन्यूटी बनेगी इसकी। कोर्ट के पास पावर है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए, सीरियस टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस के लिए बेल को कभी भी कैंसिल कर सकता है और दोबारा से एक्यूज्ड को कस्टडी भी ले सकता है। और सेक्शन 439 सब सेक्शन 2 में आप हाई कोर्ट की पावर भी पढ़ेंगे
जिसमें कोर्ट किसी प्राइवेट पार्टी के कहने पर भी अपनी ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है। तो क्वेश्चन क्या था, वेदर कंप्लेनेंट कैन क्वेश्चन द बेल, 439 सबसेक्शन 2 उसको इस बात के लिए गाइड कर रहा है। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे और इसका आंसर मुझे लिख कर देंगे। केस का नाम भी बता दिया, रंजीत वर्सेस नंदलाल का केस आप रेफर करेंगे, 1975 का केस है, और सोनू राम वर्सेस काली का भी एक केस है इसके अंदर, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। तो दो मैंने रेफरेंस, तीन रेफरेंस दे दिए। देखो बेटा, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया, कहाँ ये जानकारी मिलेगी, केसेस बता दिए। अब उन केसेस को आपने बुक में ढूंढिए और आप उन सेक्शंस को बे रेक्ट से उठा के पढ़िए, एक जबरदस्त आंसर लिखकर मेरे पास भेज दीजिए। दूसरा सवाल है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द बेल बी कैंसल्ड। जैसा कि इस सिचुएशन में ये दिया है कि मर्डर का केस है ये, यानी सीरियस टाइप ऑफ ऑफेंस है, और कोर्ट के सामने सवाल है, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन द बेल बी कैंसल्ड, यानी बेल को कैंसलेशन के लिए। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के देखिए क्या लिखा है उसमें, लास्ट लाइन में कंप्लेनेंट वांट्स टू क्वेश्चन द बेल, यानी वो बेल को कैंसिल करवाना चाहता है। जब कोर्ट के सामने ये बात आएगी कि बेल को कैंसिल करना है, तो कोर्ट कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करेगा। बेल ग्रांट करते हुए भी उसने कुछ फैक्टर्स कंसीडर किए होंगे, और बेल को कैंसिल करने से पहले भी वो कोई फैक्टर कंसीडर करेगा। तो दोस्तों, उन दोनों ग्राउंड्स को मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखा है। मैं और भी अपने वीडियो सीरीज में, जब मैंने ये सेम क्वेश्चन अपने जो मैंने लेक्चर सीरीज मेरे जब चलते हैं ऑनलाइन, तो उसमें भी मैंने काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट में दिया है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन दोनों ग्राउंड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, गलती क्या, 10 नंबर का सवाल, ये 10 नंबर का सवाल है जो बी पार्ट है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द बेल बी कैंसल्ड। तो समझिए आप, जब कोर्ट बेल देगा तो वो कुछ चीजों को कंसीडर करेगा। जब कोर्ट बेल को कैंसिल करेगा, वहां भी वो कुछ चीजों को कंसीडर करेगा। अब जो स्टूडेंट हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, वो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले बात तो आपको इन दोनों को अलग अलग करना होगा, ये दो अलग चीजें हैं। आपसे पूछ रहा है कि ऑन व्हाट ग्राउंड कैन द बेल बी कैंसल्ड। मैं आपको एक केस बता देता हूं, वो केस आप पढ़ सकते हैं, स्टेट वर्सेस संजय गांधी, 1978 का केस है। स्टेट वर्सेस संजय गांधी का आप केस पढ़ेंगे तो आपको एक ऐसे मैंने चीज बता दी है कि जहां आपको बिल्कुल मक्खन जैसी आपकी नॉलेज हो जाएगी, बहुत बढ़िया कंसेप्ट हो जाएगा, शाबाश। दो रेफरेंसेस और बता देता हूं इसी केस में, संत राम वर्सेस काली एंड स्टेट वर्सेस जगजीत सिंह। किस ग्राउंड पे बेल कैंसिल हो सकती है, जब इरिलेवेंट ग्राउंड्स के ऊपर बेल दी हो, आर्बिट्री ग्राउंड पर बेल दी हो, कोर्ट ने लीगल रीजनिंग को फॉलो नहीं करके बेल दी हो, तो वहां बेल कैंसिल हो सकती है। जेसिका लाल मर्डर केस का भी आप इसमें रेफरेंस दे सकते हैं, जहां मनु शर्मा की बेल कैंसिल हो गई थी, अगर मुझे, मैं पार्टी का नाम सही ले रहा हूं तो मनु शर्मा ही नाम था मेरे ख्याल से। आप जेसिका लाल मर्डर केस को स्टडी करेंगे तो मनु शर्मा की बेल हाईकोर्ट ने कैसे कैंसिल की थी, तो वो भी आप इसमें रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। अब इस के लिए तो बहुत सारे रेफरेंसेज हैं। मैं इस क्वेश्चन के ऊपर, अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगा, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन द बेल बी कैंसल्ड। लेकिन पहले आप अपना जद्दोजहद कर लीजिए, थोड़ा सा पहले आप सोच लीजिए, क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि मैं कई घंटे का वीडियो इस पे बना सकता हूँ, अगर मैं आज इसको डालूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा वीडियो, हम ट्रैक से अलग हट जाएंगे। तो क्या तरीका है इसका अपनाएंगे, आप इसके डिस्क्रिप्शन पर चेक करते रहिएगा बार बार, ठीक है। या एक और काम आप कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए, बेल आइकन को आप अगर ऑन कर लेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे ही मैं ये वीडियो डालूंगा। और जल्दी ही इसी मंथ के अंदर ही मैं और भी वीडियो, इसी जो ये सेकंड क्वेश्चन है इसके ऊपर मैं अपलोड करूंगा। तीसरा क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डज द टर्म जुडिशियल डिस्क्रिशन इम्प्लाई। अब ये जुडिशियल डिस्क्रिशन का कंसेप्ट बेल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई, जुडिशियल डिस्क्रिशन को पहले जुडिशियल अलग कीजिए, डिस्क्रिशन अलग कीजिए।
डिस्क्रिशन का मतलब होता है मन मर्जी। देखो, अगर मन मर्जी चलाई और लाखों फॉलो नहीं किया तो वो बन जाएगा आर्बिट्रेरी, वो फिर चैलेंज हो सकता है 439 सबसेक्शन 2 के अंदर। तो आर्बिट्रेरी और जुडिशियल डिस्क्रिशन, इन दो वर्ड्स को पहले आप अच्छे से सीखिए। वैसे डिस्क्रिशन का होता है कि मेरी मर्जी है, मेरी डिस्क्रिशन है, मेरी विवेक है, यानी कोर्ट को कोर्ट जब वो उस बेल की एप्लीकेशन को एंटरटेन कर रहा है तो उसे अपना डिस्क्रिशन लगाना है, अपनी विवेक लगाना है, उसके पास टूल्स हैं, गिवन लॉ है, प्रीवियस केसेस हैं जिनका सहारा वो ले सकता है, और अपना उसके अपना जुडिशियल वर्ड लगाने से ही मतलब उसको ये बात समझा क्लियर हो जाती है कि मन मर्जी नहीं करनी यहाँ पे, मन मर्जी के मुताबिक नहीं। अगर मन मर्जी के करोगे और इनवैलिड ग्राउंड्स पे बेल दोगे तो फिर वो आर्बिट्ररी बेल हो जाएगी, वो फिर 439 सबसेक्शन 2 में चैलेंज हो जाएगी। तो यार, जुडिशियल डिस्क्रिशन ये कंसेप्ट बहुत पावरफुल है, ठीक है, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। इसको आपने जुडिशियल डिस्क्रिशन और आर्बिट्री बेल को आपस में रिलेट करके लिखोगे तो आपसे कुछ लिखा जाएगा। देखता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखना कि आप क्या लिखते हैं इसके ऊपर, और इन सब के आंसर्स फ्यूचर में मैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज पर भी अपलोड करता रहूंगा। और फोर्थ क्वेश्चन इस सीरीज का है, कैन बेल बी ग्रांटेड ऑन पैरिटी ऑफ रीजन। ओहो, ये बहुत इंटरेस्टिंग केसेस है। अब यहाँ पे ये कब अप्लाई होगा? जब किसी केस में एक से ज्यादा एक्यूज है, यानी कोई को एक्यूज है, एक आदमी को बेल दे दी, ठीक है, और दूसरे आदमी को कोर्ट बेल रिफ्यूज कर रहा है, ठीक है, एक को रिफ्यूज कर दी और एक को दे दी, तो जिसको दी या तो उसकी भी कैंसिल करो, तो उसको एक, यानी एक दो लोगों पर, दो अलग अलग लोगों पर एक ही इल्जाम लगा कि उन दोनों ने मर्डर किया है और कोर्ट ने एक को बेल दे दी, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गई ना, ये तो भेदभाव हो गया। पैरिटी का मतलब क्या होता है? पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, समानता, भाई जब उसको दिया तो मेरे को भी दो, ठीक है। अब जैसे घर में कोई पापा कोई चीज लेकर आए, और एक पापा चॉकलेट लेके आए घर में और एक बच्चे को दे दी और दूसरे बच्चे को नहीं दी, तो ये तो इनजस्टिस हो गया ना भाई, या तो एक को भी नहीं मिलती, ठीक है। आई थिंक एग्जाम्पल से आप समझ गए क्या लिखना है आपको, आपने इसका खूबसूरत आंसर लिखना है और मुझे लिखकर भेजना है, ठीक है। जब समानता करनी है, यानी समानता करनी है बेल देने में, एक को दी या तो दोनों को मना करो, या एक को दिया तो दूसरे को भी दो, ठीक है दोस्तों। तो चारों क्वेश्चंस में मैंने हिंट आपको दिया है, कुछ ना कुछ समझाया है, कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों बेहतर से बेहतर करने की और मेहनत करने की। तो मैं खुद को भी मोटिवेट करता हूँ, आपको भी मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, आपके ये प्यारे कमेंट्स, आपके ये लाइक्स, आपकी ये शेयरिंग, ठीक है, ये मुझे मोटिवेट करती है। तो आप मुझे मोटिवेट करिए, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, और जीत हम दोनों की होगी। दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।